अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। बकरा ईद माशाल्लाह से सब दोस्तों को, बहन भाइयों को, तमाम मुसलमानों को बहुत बहुत मुबारक हो। तो दोस्तों, स्पेशली एक छोटा सा एक मैसेज लेकर हाजिर हुआ हूँ ईद के हवाले से कि इसमें गोश्त की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा खाई जाएगी। ये खाली 3 दिन नहीं है, ये तकरीबन हर घर में गोश्त की एवरेज जो है 10-15 दिन तो इसके साथ लोग स्टोर करते हैं। तो इसमें जो चीज़ों का एडिशन करना है वो सलाद का हमने करना है, बहुत ज़्यादा सलाद की क्वांटिटी खानी है हमने, साथ फ्रूट्स को ऐड करना है और लॉट ऑफ द वाटर हमने ना लेना है। कोल्ड ड्रिंक से काइंडली परहेज़ करना है क्योंकि आपको पता है कि उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो हमारी जितनी ज़्यादा सीवियर डिज़ीज़ आ रही हैं, स्पेशली यानी कि जो कैसी ट्रांसप्लांट की तरफ जा रहे हैं, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट डिज़ीज़, तो ये टोटली ब्लड को ना डैमेज करती हैं, ब्लड वेसल्स को ठीक कर। तो मकसद हमारा सिर्फ ये है कि हमारा पाकिस्तान एक मजबूत पाकिस्तान हो, एक हेल्दी पाकिस्तान के लाए, वो तभी हम कर सकते हैं इसको टॉप 10 लिस्ट में शामिल दुनिया के, कि जब हम सेहत से मबनी प्रोग्राम्स दें, वीडियोस दें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और अच्छी से अच्छी चीज़ों को एक दूसरे को बताएं। नो डाउट कि इस वक्त बहुत ज़्यादा आपको टिप्स मिलती हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, तो लेकिन ये कि उस पर अमल हमने करना है। प्लीज़ प्लीज़ अच्छी चीज़ें खाएं, गोश्त के साथ सलाद खाएं, रायता लें, दही का रायता बनाएं, पुदीने की चटनी बहुत ज़बरदस्त बनती है वो घर में बनवाएं अपने, और साथ फ्रूट्स को ऐड करें और पानी ज़्यादा पिए इसमें, ताकि जो आपकी गोश्त है, जो उसकी ग़िज़ाई है, वो मुकम्मल तौर पर बॉडी को बेनिफिट्स दे, ना कि यानी कि वो आपके लिए फैट्स का वो बने बॉडी के लिए और बॉडी आपकी डिस्टर्ब हो, आप फैटी खिलाएँ। तो बात यही है कि सिर्फ अपने आप को स्मार्ट रखें, मजबूत रखें, पाकिस्तान के लिए सेहतमंद पाकिस्तान, तो तभी ज़िंदगी का एक टेस्ट है। तो बहुत शुक्रिया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू सो मच। ये मेरी बेटियों की तरफ से भी है, थैंक यू जी।